Yes, everybody. Next question, mark it as a double star. Question number 14. Find the coordinates of foot of perpendicular from the point -1, 3 to the line 3x - 4y -16 = 0. क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सपोज एक लाइन L है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है, दिस इज 3x - 4y -16 = 0. कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू दिस लाइन. इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बन रहा है, किस पॉइंट से बन रहा है? -1, 3 से. सही है बेटा? ये पॉइंट को मैं पॉइंट ए का नाम ले लू और ये बी का नाम ले लू. तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब मुझे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं. मुझे क्या ढूंढने हैं? पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स. सो इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं x1 y1 का मान लूं, मुझे ये ढूंढ. क्वेश्चन समझ आया? 100% एक बात तो क्लियर है कि परपेंडिकुलर है तो स्लोप पे खेलेगा. पहले स्लोप की चर्चाएं कर लें. स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L क्या होगी? माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन, तो ये हो गया 3/4. यस और नो? नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगी? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -4/3. रीजन लिख लेना, बिकॉज L इज परपेंडिकुलर टू AB. सही है? बोलो क्या ये बात समझ आई? हमें वो मांग रहे हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. ठीक है? अब इस लाइन की इक्वेशन है, और अगर इस लाइन की भी इक्वेशन आ जाए एबी की, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट बी है. यूनिक सॉल्यूशन, याद है क्या? नहीं, टू लाइंस वी आर इंटरसेक्ट, एलिमिनेशन लगाओ, सॉल्व करो. अब दैट मीन्स इस क्वेश्चन में मेरा सारा दारोमदार किस चीज पे आ गया? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एबी. एबी की इक्वेशन एक्स वाई में आ गई जसनीत, तो बच्चे मैं दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल सकता हूं. यस और नो? अब एबी की इक्वेशन कैसे आएगी? एबी की इक्वेशन कैसे आएगी ये बताइए. इक्वेशन ऑफ लाइन एबी, निकाल दिया मैंने एफ ऑफ एबी, निकाल दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म. एक पॉइंट गिवन है एबी में, स्लोप पता है, तो क्या लगाओगे? पॉइंट स्लोप हम क्या कहती है? y - y0 = slope x - x0. पॉइंट कौन सा गिवन है एबी में? -1, 3. तो ये क्या बना? y - 3 = slope क्या है एबी की? -4/3 * x - x0. x0 क्या? -1. तो क्या बन गया? +1. ये 3 जरा क्या मल्टीप्लाई हुआ? 3y - 9 = -4x - 4. यस और नो? तो ये क्या बना? 4x + 3y - 9, उधर ले जाओ -4 + 9, 5. क्या ये मेरी इक्वेशन बनी कि नहीं? अब नोटिस करो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बी पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आंसर क्या देगा उस पॉइंट को? मतलब दोनों में एलिमिनेशन लगा दो. एक इक्वेशन मेरे पास बनी 4x + 3y = 5, और दूसरी क्वेश्चन क्या है? 3x - 4y = 16. तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से. ये बना 12x + 9y = 15, और ये बना बेटा 12x - 16y = 64. चेंज ऑफ साइन, ये गया 16 and 9, 25y, एंड इधर क्या बना? 49 - 49. तो y क्या बना बेटा मेरे पास? -49/25. ठीक है बेटा? अब क्या रह गया? x रह गया, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दे. सो देयरफॉर 4x + 3 - 49/25 = 5. 4x - 49 * 3 = 147. तो ये बना उधर रह गया
5 plus 147 upon 25. So 4x is equal to 25 5 is 125 plus 147 upon 25. तो ये बन गया 4x is equal to 7 5 12 4 2 6 7 372 upon 25. सही है बेटा. तो यहां पे 4x किसके बराबर, x किसके बराबर आ गया, सॉरी हां जी x किसके बराबर आ गया सर, 272 272 है. अच्छा सॉरी जी 272 ठीक है बेटा, 272 upon 25. एक्स किसके बराबर आ गया बेटा, 272 अपॉन 100. सही है, कटिंग देख लो फोर पे हो रही है, 4 6 24 32 हो रही थी, 425 4 6 24 32 68. तो एक्स कितना आ गया बेटा, चेक करना आंसर एक बार. सही आंसर है, करिए बेटा.